हमारे धार्मिक ग्रंथ जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज कलयुग की दुनिया में मनुष्य को कोई सदमार्ग पर चलाता है तो वह हमारा सनातन धर्म ही है। यदि धर्म में व्यक्ति की आस्था है तो जीवन में आई सभी बाधाओं पर वह विजय प्राप्त करता है। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म से जुड़े रहना चाहिए। यह विचार सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने मंगलवार को सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भररौली में जगदम्बा माता मंदिर पर आयोजित 5 दिवसीय श्री रामचरित मानस सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मानस प्रवक्ताओं द्वारा कथाओं और प्रवचनों के माध्यम से जो अमृत रूपी ज्ञान की वर्षा की गई है उससे लाभ लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उपस्थित संत जनों को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर भररौली के लिए सामुदायिक भवन एवं सीसी रोड निर्माण कार्य स्वीकृत करने की घोषणा की। देखिए प्रवचन चल रहे हैं कई दिनों से, कब तक आज आपका दिन है तो आपने धर्म के संबंधित भगवान श्री राम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंधित आपने सारी बातें बहुत विद्वानों के मुख से सुनी होंगी। उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उसमें उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता मैं उससे अच्छी तरह नहीं बता सकता। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि इस कथा के श्रवण से आप सभी को लाभ हुआ होगा, लाभ होना चाहिए और लाभ लेने का प्रयास करें, जीवन में कुछ न कुछ उतारने का प्रयास करें, निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि मैं एक बार पहले यहाँ आया था तब यहाँ एक सामुदायिक भवन की घोषणा की थी, उसके लिए मैंने पत्र लिख दिया है। उसमें क्या है, भरगोली अभी जो सरपंच नए निर्वाचित हुए रविराज सिंह जी, उनकी बहुत इच्छा एक सीसी रोड की थी जो बावड़ी की तरफ रास्ता जाता है, तो पूरा तो काफ़ी लंबा था, ज़्यादा मैं नहीं दे पाया, जितना दिया मैंने उसके लिए राशि ग्राम पंचायत को दी है और इस सामुदायिक भवन के लिए भी मैंने पत्र जारी कर दिया। इसमें निर्माण एजेंसी, मैंने एक श्रम ठेका सहकारी समिति है दतिया की, ज्वाला प्रसाद जी उसके अध्यक्ष सब लोग जानते हैं, उनको मैंने निर्माण एजेंसी बनाया है तो उनके लिए लेटर गया है, कलेक्टर को दोनों पत्र चले गए हैं। एस्टिमेट के लिए सीसी वाला पत्र जनपद में गया है जहाँ से एस्टिमेट बढ़ के जाएगा फिर स्वीकृत होगा, और इसके लिए पत्र श्रम ठेका सहकारी समिति को चला गया है, एस्टिमेट बनने की प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी वो एस्टिमेट बन के स्वीकृत हो जाएगा, मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर स्वीकृति हो जाएगी इस सामुदायिक भवन की। और आपके बीच में समय समय पर आता रहता हूँ, थोड़ा क्षेत्र के विकास में प्रयासरत हूँ, मैं इस अवसर पर वो सब बात नहीं करना चाहूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाला समय हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा हो, आप सभी के लिए अच्छा हो, सब सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र में आपसी भाईचारा बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे, वैमनस्यता लड़ाई झगड़े कम हो। ईश्वर आज हमको आज ऐसा आशीर्वाद दे। इसी के साथ आपने दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।